हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनकी एक्टिंग के चर्चित किस्सों के अलावा ज़िंदगी के कई ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें वे किसी दूसरे के साथ शेयर या फिर खुद याद नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स के नाम तलाशे जाएं जो किसी कारणवश जेल की सज़ा काट चुके हों, तो उनमें सबसे पहला नाम संजय दत्त या फिर सलमान खान का आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि इन दोनों एक्टर्स के अलावा भी कुछ एक्टर हैं जो जेल की कालकोठरी में कुछ दिन बिता चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे एक्टर्स की ही बात करेंगे जो जेल की हवा खा चुके हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं संजय दत्त। दोस्तों, इस कतार में संजय दत्त का नाम ही पहले नंबर पे आता है क्योंकि इन सभी कलाकारों में सबसे ज़्यादा दिनों तक संजू ने ही जेल की सज़ा काटी है। संजय दत्त को 1993 में अवैध रूप से हथियार रखने का आरोपी पाया गया था, जिसके चलते वे कई बार जेल भी गए। पहली बार उन्हें 18 महीने की कैद हुई थी और दूसरी बार उन्हें 5 साल की कैद हुई। अब दूसरे नंबर पर हैं सलमान खान। सलमान खान जितना अधिक अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अधिक वे विवादों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। सलमान खान पर दो बड़े मामले हैं, जिसमें पहला है काला हिरन को मारने का मामला और दूसरा है हिट एंड रन केस। दोस्तों, काला हिरन मामले में उन्हें 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके लिए उन्हें कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। तो दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर हैं साइनी आहूजा। साइनी आहूजा एक जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने गैंगस्टर, भूल भुलैया, वो लम्हे, लाइफ इन मेट्रो जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। साइनी का नाम कई बार विवादों से घिरा रहा है। उनका सबसे ज़्यादा नाम तब उछला जब उनके घर की नौकरानी ने उन पर रेप का आरोप लगाया था और इसके लिए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब चौथे नंबर पर हैं राजपाल यादव। दोस्तों, राजपाल यादव पर रुपयों के लेन देन को लेकर कई आरोप लगे थे और उन्हें इसके चलते ही जेल जाना पड़ा था। अब पांचवें नंबर पे हैं फरदीन खान। दोस्तों, फरदीन खान पर प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का आरोप लगा था और उन्हें इस मामले में कुछ दिनों के जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब छठे नंबर पे हैं प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी। दोस्तों, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी को आशिकी 2 की धमाकेदार म्यूजिक से खासी पहचान मिली। अंकित पर उनकी ही प्रेमिका ने रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्हें 1 हफ्ते जेल में बिताने पड़े थे और फिर उन्हें जमानत मिल गई थी। दोस्तों, सातवां और अंतिम नंबर पे हैं एक्टर इंदर कुमार। वैसे तो इंदर कुमार अभी इस दुनिया में नहीं रहे। एक्टर इंदर कुमार पर एक मॉडल के रेप का आरोप लगा था और उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों, यही वो एक्टर हैं जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।